सहरघाट के कोसी नहर बसवरिया स्थित रूप सिंगार विवाह भवन का शुभारंभ किया गया, जिसका विधिवत उद्घाटन स्थानीय सांसद डॉक्टर अशोक कुमार यादव, MLC घनश्याम ठाकुर एवं जिला परिषद सदस्य मनीष झा ने संयुक्त रूप से फीता काटकर किया। इस दौरान आगत अतिथियों का मिथिला परंपरा अनुसार पाग और शॉल देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता विवाह भवन के निदेशक वैद्यनाथ नायक एवं संचालन सरोज झा ने किया। जानकारी देते हुए निदेशक श्री नायक ने कहा कि बढ़ती आबादी और जगह की कमी के कारण सहरघाट समेत आसपास के गांवों में विवाह को लेकर लोगों में परेशानी उत्पन्न होती है, खासकर किसी बैठक अथवा सभा के लिए भी जगह की कमी पड़ जाती है, जिसको ध्यान में रखकर इस भवन का निर्माण कराया गया है, जहां एक छत के नीचे भोजन से लेकर टेंट साउंड समेत सभी आवश्यक चीजें उपलब्ध कराई जाएगी, जिससे लोगों को शादी विवाह समेत किसी भी मांगलिक या किसी अन्य कार्यक्रम को करने में सहूलियत होगी। वहीं अतिथियों ने भी सहरघाट में विवाह भवन की कमी को दूर करने की इस सार्थक पहल को सराहा है। मौके पर देवेंद्र प्रसाद यादव सहरघाट चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष दशरथ पंजार, मुखिया प्रतिनिधि बेचन सहनी, भाजपा नेता अजय भगत, मंडल अध्यक्ष डॉक्टर योगेंद्र नाथ झा, निखिल झा, संजय प्रतिहस्त, सज्जन नायक, सरपंच बलराम झा समेत अन्य लोग भी मौजूद थे। डर आया कि कब तक कतक खेला आप कतक गाँव में जाओ तो सब लोग कुत्ता बिछा के वो जब भोज खाए आप वो जब खा लो या घुमा कर जाओ तो सौ दो सौ तेसर गाँव से भी घुमा कर जाओ तो ये आप एक गाँव भर में नहीं रहो सब आदमी पहले बच्चा में देखने हो हम सब बच्चा में गाँव में रहे तो ब्याह शादी जब हो तो घर दूरे दूरे से कुर्सी उठा कर लो भूखा ठंडा लेकिन धीरे 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 अब गाँव में भी शहरीकरण कर आप लोग के जमीन उतर बंटवारा हो गए भाई बंटवारा हो गए फिर भाई बंटवारा हो गए आप लोग के मुश्किल से आप गाँव और में देखे जरा दो चार पाँच दस कट्ठा घराने की जमीन बहुत कम आदमी जो है गाँव में का दो आदमी को है तो आप कंसेप्ट भाव मिला आप शादी विवाह भ सब कुछ अपन जाए शादी भोजन भात अपने शहर में भोजनों भात के दस अलग प्लेट सिस्टम पर भर गए लोग भोजन भात कल लड़की वाला गेल अपन शादी विवाह चल तब सहार घाट जहन छोट जगह विवाह भवन के आई शुरुआत बड़ा खुशी की बात आब आजकल तो सहार घाट में विवाह भवन नहीं चल तो लोग पाइयो दौर अगर कतौ चाहते कि हमारा कतौ जगह भेज जाए आई वृंदा जी ई व्यवस्था एहिठाम कऽ देला बड़ा बढ़िया बनेला तऽ एहिठाम के आई के ई विवाह भवन के एक सेवा के माध्यम भी भऽ गेल एहिठाम से इनका के द्वारा कुछ व्यवसाय भी इनका होता और सेवा के माध्यम भी तो सब लोग एहिठाम आकर कोनो ब्याह है शादी है कोनो फंक्शन है कोनो कार्यक्रम है तो ई विवाह भवन में आकर सब आदमी ओहि फंक्शन के अपन कार्यक्रम कऽ सकै छी ज्यादा नहीं कह सुना भाषण के समय न है आई अवसर पर भाषण खाली घूमे लगे तब में मजा नहीं आई विवाह भवन भवन सबसे पहले बहुत बहुत वृंदा जी के धन्यवाद दी अहाँ एकदम एक विवाह भवन बना दें क्या पहले ब्याह शादी कतौ हो हर गांव में एकटा दूटा नमहर दरवाजा होइ छै आ ओहिठाम पूरा गांव के ब्याह शादी या हर टोला एकाध गो जगह होइ छै जेहिठाम टोला के या समाज के ब्याह शादी होइ छै और आब तऽ हमसब सब आदमी गाँव में रहै छी आ गाँव में देखै छियै तब तक आब गाँव में जे मकान जे बनै है जे शहरीकरण हो आप हमारे मधुबनी न्यूज को फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब से देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।